प्राचीन काल से ही कुसा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हरिद्वार में कुसा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश को हरिद्वार में कुसा के वृक्षों में ही छुपाया गया था, जिस कारण हरिद्वार में कुसा का महत्व बहुत अधिक है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्षों में कुसा का उपयोग करना बहुत अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। पितरों का श्राद्ध करते वक्त यदि कुसा का उपयोग किया गया है तो पितरों का श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। लोकल 18 को क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी, सुनिए। पूरे संसार में कुछ चीजों को पवित्र माना है, जैसे तुलसी, कुसा, गंगा जल, ये जब पवित्र इनको मानते हैं, और दूध, जो गाय का दूध उसको पवित्र मानते हैं। कुसा का श्राद्ध पक्ष में बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि एक तो श्राद्ध के दौरान इसमें जो हमारी अनामिका उंगली है इसमें एक अंगूठी पहनाते हैं बना करके कुसा की, और तत्पश्चात श्राद्ध का कार्य तर्पण इत्यादि करने का विधान है, उससे बहुत पवित्रता बनी रहती है और हमारा श्राद्ध निर्विघ्नता से पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त कुसा का आसन पर बैठना भी बहुत ही शुभ होता है। कोई भी हम पूजा करते हैं और किसी प्रकार का भी हम पूजा करते हैं तो कुसा के आसन पर बैठने से बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। देखो जी, श्राद्ध करते समय कुसा आसन पर बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुसा बहुत पवित्र होती है, उसके ऊपर बैठ करके श्राद्ध कर्म करना बहुत ही शुभ है, और उससे हमारा श्राद्ध का कर्म निर्विघ्नता से पूर्ण होता है। हम उंगली में पहनते हैं क्योंकि ये उंगली जो अनामिका होती है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। पूजा में ये उंगली का ही प्रयोग करते हैं। यदि हमें तिलक करना है या कोई भी हम पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं या सभी पूजा में छींटा देते हैं तो अनामिका का ही प्रयोग करते हैं, और तिलक में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इस पांच उंगलियों में ये इसको पवित्र माना है, पूजा के योग्य। यहाँ पर कुसा घाट भी है और प्राचीन काल से ही यहाँ कुसा बहुत ही मात्रा में होती है, और जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं राक्षसों के द्वारा उस अमृत कलश को उस कुसा के मध्य में ही छिपाया था और उसकी कुछ बूंदे यहाँ पर छलक कर गिर गई थी। तो इसीलिए कुसा का बहुत ही शास्त्रों में महत्व है, और प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इसके आसन पर बैठते हैं, पूजा करते हैं, और हमें सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से कुसा के आसन पर ही बैठ करके श्राद्ध कार्य को संपन्न करना चाहिए, तो यही बहुत श्रेष्ठ होता है।